सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कल एक बजरंग दल के नगर के विद्यार्थी प्रमुख पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया। उसको गाड़ी पर बैठा के ले गए, उसको बुरी तरह गुलर रोड पे कहीं एकांत जगह में मारा पीटा और रघुवीरपुरी में संकल्प अपार्टमेंट के पास ले जाके उसको नाले में डाल दिया। एक पत्रकार बंधु ने पुलिस को सूचना दी और मेरे पास भी सूचना आई कि आपका एक कार्यकर्ता बुरी तरह मारा पीटा है और ये घटना उसके साथ हुई है। घटना का विरोध हमने थाने पर जताया है और एक तहरीर थाना बन्ना देवी दे दी थी जो दर्ज हो गई है। कार्यकर्ता पलायन को लिए इसलिए बोल रहा हूँ मजबूर हैं, डेढ़ साल से दूसरे पक्ष पर मुकदमे हैं। पिछले डेढ़ साल से पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, एक भी मुकदमे में एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं हुआ और कब होगा। दो कार्यकर्ता मैंने अपने यहाँ से कानपुर भेज दिए कि बेटा यहाँ से जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। एक कार्यकर्ता जिसका बहुत बड़ा मकान है चूहरपुर के अंदर, वो किराए पर रहता है रामगढ़ रोड पर अपनी पत्नी को लेकर। एक कार्यकर्ता, अभी 20 दिन पहले की बात थी, एक ITI चौकी इंचार्ज है, बहुत ही मैं कहूँगा पुलिस के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है और दुष्ट व्यक्ति है। कार्यकर्ता की पत्नी गर्भवती है, कार्यकर्ता के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उसके घर पर जाकर उसकी चौखटे तक उखाड़ दी, जिसकी शिकायत मैंने क्षेत्र अधिकारी महोदय से की थी और आज दोबारा भी की है। किस तरह का आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है भाई साहब ने, SP क्राइम साहब ने, कि आप निश्चिंत रहिए, तत्काल से तत्काल जितना जल्दी हो सकता है उनकी गिरफ्तारी करेंगे और पुलिस प्रशासन हमारे पूरी तरह से सहयोग में है। डेढ़ साल से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रोक करके फायर करना, उसके घर पर तमंचों से ग्रुप बना करके फायर करना और उसको कई तरह से घेर करके जान से मारने का प्रयास करना, और कल तो इतना बड़ा घटना होने से बची कि एक कार्यकर्ता को नाले में मारपीट करके डाल दिया। वो तो भला हो, एक पत्रकार महोदय वहाँ थे, उन्होंने उस कार्यकर्ता को निकाला और कार्यकर्ता को निकाल करके उसको अपने घर तक ले गए, उसको रिलैक्स दिया, उसके बाद हम लोगों को भी सूचना दी। तो ये इतना बड़ा कारण, मुझे तो लगता है कि पुलिस अगर पहले से उन लोगों को जो मुकदमा लिखे हैं हीनियस क्राइम से संबंधित हैं, ऐसे मुकदमों को पटाक्षेप करके उनको जेल भेजें, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस तरह के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या आश्वासन मिला किस तरह? अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ये आश्वासन मिला है कि आज शाम तक उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ऐसा हमें लगा कि वास्तव में पुलिस अगर चाहेगी तो उन लोगों को जो हीनियस क्रिमिनल हैं, ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा जिससे ये पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। वास्तव में ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि कुछ कार्यकर्ताओं को तो हमें ही वहाँ से हटाना पड़ा। इतना बड़ा उन क्रिमिनल लोगों का इतना बड़ा आतंक है कि कुछ कार्यकर्ताओं को हमने डाइवर्ट करके कहीं एटा भेज दिया है, वो अपने कहीं कानपुर में एक जूते की फैक्ट्री है, वहाँ वो काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा उनका आतंक है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्रिमिनल लोगों को क्यों उनका मनोबल बढ़ रहा है, क्यों उनको संरक्षण को ऐसा लग रहा है, हमें लग रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है। तो पलायन करने को मजबूर हैं क्या है? हाँ, ये सीधा है कि भाई ऐसे लोगों को हम नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा या विवाद नहीं चाहते। हम कार्यकर्ताओं को वास्तव में अनुशासित रूप से रखना चाहते हैं, हम कार्यकर्ताओं को ये चाहते हैं कि उनका कोई हानि न हो, तो इस कारण से हमें लगता है कि वहाँ से उनको हटाना पड़ रहा है। बजरंग दल के लोग मिलने के लिए आए, क्या नाम? अपने कार्यकर्ता के साथ उन्होंने रघुवीरपुरी क्षेत्र में मारपीट होने की एक शिकायत की है। उस संबंध में जो क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण की संपूर्ण जांच करें और इसमें अपेक्षित कार्रवाई करें। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।